स्टूडेंट्स, बात करेंगे हम डिटरमिनेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसमें हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह है। सपोज इन आर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम अ वेक्टर ए हैज इट्स टेल एट द पॉइंट पी इज इक्वल्स टू -2 -3। ये उसके हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं एंड इट्स टिप एट क्यू इज इक्वल्स टू 3 9। डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। अच्छा, अगर सबसे पहले अगर हम एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम देखें स्टूडेंट्स, जिस तरह से अगर मैं ड्रॉ कर लूँ उसको कि हमारे पास एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही शो कर रहे होते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि ये दोनों आपस में एक्सेस जो हैं ये आपस में एक दूसरे के यहाँ परपेंडिकुलर हैं। ये अगर मैंने वाई एक्सेस ड्रॉ कर दिया है, ये मेरे पास एक्स एक्सेस है और इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 का है, यानी कि एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, जिसकी वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह ये मेरे पास नेगेटिव वाई एक्सेस हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये मेरे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अच्छा, अब हमने एक वेक्टर ड्रॉ करना है जिसे ए का नाम दिया गया है, जिसकी टेल जो है वो किस पॉइंट पर है, -2 -3। अब -2 अगर मैं ये देखती हूँ, -2 ये -1 वैल्यू है, और इसी तरह यहाँ ये मेरे पास ओरिजिन जो है मैंने ओ से डिनोट कर दिया है, और इसी तरह वाई में भी मेरे पास यहाँ 1 2 3 -3 वैल्यू। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ इस पॉइंट को, तो मेरे पास कुछ इस तरह से रफ मैंने ड्रॉ किया, ये मेरे पास पॉइंट आया है जो कि जिसके जो एक्स एक्स वैल्यू है वो -2 है और वाई वैल्यू जो है वो -3 है। ये मेरे पास पी पॉइंट ड्रॉ हो गया। अब इसी तरह स्टूडेंट्स मैं क्यू पॉइंट भी ड्रॉ करूंगी जो कि 3 9 पे लाई कर रहा है, यानी कि उसकी जो एक्स पे वैल्यू है वो क्या है, मेरे पास 3 है, 1 2 3, और जो वाई पे उसकी वैल्यू है वो 9 है, यानी कि यहाँ से हम 9 डिजिट्स ऊपर जाएंगे। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि ये अगर उसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास कुछ इस तरह से, तो मैं इस पॉइंट को क्यू पॉइंट कहूँगी जिसके 3 और 9 जो है ये इसके एक्स और वाई में इसकी वैल्यू है। अब अगर हम यहाँ, ये मेरे पास दो पॉइंट्स जो हैं वो आगे, अब मैंने क्या करना है स्टूडेंट्स कि मैंने इसके इसके ऊपर वेक्टर ए को ज्वाइन करना है, जिसमें मुझे ये बताया गया है कि पी पॉइंट जो है वो उसकी टेल है और क्यू पॉइंट जो है वो उसकी टिप है, यानी कि उसका हेड है हमारे पास। तो मैं बहुत ईजीली इसको ज्वाइन कर सकती हूँ, यानी कि मैंने हेड बना दिया और ये मैंने उसकी टेल शो कर दी। तो ये वेक्टर मेरे पास ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्या करना है स्टूडेंट्स कि हमने ए पॉइंट जो हमारे पास जो वेक्टर है उसका पी से क्यू तक का इसका जो डिस्टेंस है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स कि आपने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है ए वेक्टर का। ठीक है, क्योंकि ए वेक्टर किसी डिस्टेंस को शो कर रहा है, ठीक है, डायरेक्टेड डिस्टेंस को शो कर रहा है पी से क्यू तक का। ठीक है, तो आपने उसकी जो वैल्यू है उसके मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पी पॉइंट लिख लेती हूँ जो कि मेरे पास -2 -3 है। अब इसका अगर मैं पोजिशन वैक्टर लिखूँ, यानी कि इन टर्म्स ऑफ पोजिशन वैक्टर अगर मैं लिखूँ, तो आप जानते हैं कि पोजिशन वैक्टर जो होता है वो हमारे पास ओरिजिन से डिस्टेंस होता है उस वेक्टर तक का, यानी कि जिस पॉइंट पे वो लोकेट कर रहा है। तो मैं उसको किस तरह से लिख सकती हूँ कि यानी कि मेरे पास जो पी वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर पी, वो मेरे पास क्या आ जाएगा, -2 × i हैट प्लस -3 j हैट। ठीक है, यहाँ आई हैड जो है स्टूडेंट्स वो क्या शो कर रहा है, यूनिट वेक्टर इन द एक्स डायरेक्शन, और जे हैड क्या शो कर रहा है हमारे पास, यूनिट वेक्टर इन द वाई डायरेक्शन, यानी कि एक्स एक्स डायरेक्शन में वो कितना डिस्टेंस मूव किया है, -2 मूव किया है, और वाई डायरेक्शन में वो कितना डिस्टेंस मूव किया है, -3 मूव किया है। तो ये हमारे पास इसका पोजिशन वैक्टर हो गया। सिमिलरली जो है वो मैं क्यू पॉइंट का भी पोजिशन वैक्टर लिख सकती हूँ। क्यू जो है वो हमारे पास क्या है, 3 9 है, तो मैं क्या लिखूंगी, 3 × i हैट और प्लस 9 × j हैट। ठीक है, यानी कि उसने 3 डिस्टेंस इन द एक्स डायरेक्शन में मूव किया है और फिर उसके बाद 9 डिस्टेंस ने मूव किया है इन द वाई डायरेक्शन। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि ये बेसिकली हमने क्या शो किया है कि ओरिजिन से जो है, ओरिजिन से इन दो वेक्टर्स का क्या पोजीशन है। अब ये दो स्टूडेंट पोजिशन वेक्टर हमें पता चल गए हैं पी क्यू के। अब हमने पी क्यू जो है डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जो कि हमारे पास ए वेक्टर है, यानी कि पी क्यू जो है हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा क्यू वेक्टर -p वेक्टर। ठीक है, अब क्यू वेक्टर जो है वो इस केस में हमारे पास क्या आ जाता है, क्यू वेक्टर अगर हम देखें वो हमारे पास है 3 i हैट प्लस 9 j हैट, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू हमारे पास क्या होगा, q - p, यानी कि क्यू वेक्टर को माइनस करेंगे अगर हम पी वेक्टर से, तो वहाँ पास इन दोनों के दरमियान जो है वो इनका जो वेक्टर है हमारे पास ओरिजिनल वेक्टर वो निकल आएगा। ठीक है, अच्छा पी वेक्टर हमारे पास क्या है, -2 i हैट और -3 j हैट।
ठीक, अब इस वेक्टर को जब मैं ओपन करूंगी स्टूडेंट्स, मेरे पास क्या आ जाता है, 3i हैट प्लस 9j हैट और माइनस जो है माइनस माइनस वहाँ पर प्लस हो जाएगा इंटू 2i हैट आ जाएगा, और फिर अगेन माइनस माइनस जो है वहाँ पर प्लस हो गया और यहाँ 3j हैट आ गया। अब इस चीज़ का जो है इन इनमें अब जो हमारे पास i हैट वाली टर्म्स हैं उनको हम एडअप कर लेंगे और इसी तरह j हैट वाली टर्म्स को एडअप कर लेंगे, वो उसमें एडअप हो जाएंगी, तो हमारे पास क्या बनता है 5i हैट और प्लस हमारे पास क्या बनता है 12j हैट, यानी कि 9 प्लस 3 हमारे पास क्या बन गया 12j हैट। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास पी क्यू जो है वो वेक्टर आ गया, जिसे हमने ए वेक्टर से डिनोट किया, यानी कि ए भी उसको लिख सकते हैं जैसा कि हमने फिगर में भी दिखाया है। ये हमारे पास ए वेक्टर है जिसका हमारे पास 5i हैट प्लस 12j हैट जो है ये हमारे पास इसका वेक्टर के कंपोनेंट्स आ गए। अच्छा, अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि अगर हमने अब इस वेक्टर का हमने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी कि इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं कि हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, और वो हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे इसका जो एक्स कंपोनेंट है उसका हम उसके मैग्नीट्यूड मतलब कि उसके कोफिशियंट का स्क्वेयर प्लस 12 जो है यानी कि वाई वाई जो वाई कंपोनेंट है उसके भी कोफिशियंट का स्क्वेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनता है, अंडर द रूट 5 5s हमारे पास 25 होगा, 5 का स्क्वेयर और 12 का स्क्वेयर जो है हमारे पास 144 हमें आंसर देगा। और अगर मैं 144 को 25 में एड अप कर दूं तो मेरे पास क्या आंसर आता है स्टूडेंट्स, 169, और इसका अंडर रूट लूँ तो मेरे पास 13 आ जाता है। 13 जो है स्टूडेंट्स ये हमारे पास डिस्टेंस आया अगर मैं मीटर्स में, कि जितना डिस्टेंस हमारे पास क्या है पी से क्यू पॉइंट तक का डिस्टेंस है, यानी कि पी से क्यू पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या आ रहा है 13 मीटर्स। और ये बेसिकली हमारे पास ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कहलाएगा और ये हमारे पास पी से क्यू पॉइंट तक का डिस्टेंस भी कहलाएगा, क्योंकि हमारे पास पी क्यू जो वेक्टर जो है वो हमारे पास ए वेक्टर के ही बराबर है, उसको हमने नाम दे दिया जस्ट ए वेक्टर का। तो ये इस तरह स्टूडेंट्स हमने ये प्रॉब्लम जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया।